Hello, dear viewers. This is the day 22 of our English speaking course, and today we'll be learning about the prepositions, the use of on, it, into, in, of, to, by, with, besides, beside, between, among, or over. सबसे पहले हम लोग यहाँ आ जाते हैं कि it, on, in, with और by जो प्रीपोजिशन होते हैं उसका प्रयोग हम स्थानवाची शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं. ऑन और एट दोनों का अर्थ पर ही होता है. जैसे ऑन ऑन द टेबल, एट द टेबल. बाय और विथ का अर्थ साथ होता है. तो सो हम लोग ऑन ऑन द टेबल मेज के ऊपर, एट द टेबल अर्थ मेज पर, विथ का अर्थ होता है साथ. बिटवीन दो शब्द व्यक्ति और वस्तुओं के लिए आता है, और अमंग दो से अधिक. कमला इज गोइंग इन टू गोइंग ओके इन हर रूम. दिस इज रॉन्ग. सो कमला इज गोइंग इन टू हर रूम. इनका प्रयोग वहां होता है जहां यह अर्थ निकले कि वह कमरे के अंदर ही है, ही हो, ही कोई काम कर रही है. जैसे कमला इज इन हर रूम, कमला इज स्लीपिंग इन हर रूम. अगर हम कहीं एक दूसरे, अगर बाहर से हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो हम लोग वहां उस जगह पर हम लोग इनटू का यूज करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीपोजिशन. पुस्तक बक्से पर है, द बुक इज ऑन द बॉक्स. कंप्यूटर मेज पर है, द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल. क्लर्क सीट पर बैठा है, द क्लर्क इज एट द सीट. देर इज ग्रीन पेंट ऑन द डोर. पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं, फादर इज स्टैंडिंग एट द डोर. आई विल सी यू एट होम. मैं आपको घर पर मिलूंगा. नेहा इज कमिंग इन टू द रूम. नेहा कमरे में आ रही है. ऋषभ एंड रिचा बोथ आर इन द रूम. अगर कहीं हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, कहीं हम लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं, तो वहां हम लोग इनटू का यूज करेंगे. अगर कमरे के अंदर हम लोग पहले से मौजूद है, तो हम लोग इनका यूज करेंगे. जैसे यहाँ पर इनटू का यूज किया गया है, आई विल पोर सम मोर वाटर इनटू द ग्लास. यहाँ ग्लास में पानी डाला जा रहा है. पहले से वहां पर पानी नहीं था, लेकिन बाहर से अंदर डाला जा रहा है, तो हम लोग वहां उस जगह पर इनटू का यूज करेंगे. पीपल बाथ इन द रिवर. लोग नदी में स्नान करते हैं. वी सिट ऑन द बेंच बट फादर सिट्स इन द आर्म चेयर. हम बेंच पर बैठते हैं, किंतु पिताजी आराम कुर्सी पर बैठते हैं. So you can pause the video and you can practice these all sentences, and you can have mastery on this. मैंने दूध से बोतल भरी. I fill the bottle with milk. Shimla is situated amongst the mountains. Shimla पहाड़ों के बीच स्थित है. Here amongst is used. Okay. Besides और beside दो हम लोग चीज जानेंगे. जैसे कि वह आपके भाई के पास खड़ा है. He stood beside his brother. वह आपके भाई के पास खड़ा है. Okay. मैं हॉकी के अलावा फुटबॉल खेलता हूँ. आई प्ले फुटबॉल बिसाइड्स हॉकी. मैं हॉकी के अलावा आई प्ले फुटबॉल. मैं हॉकी के अलावा फुटबॉल खेलता हूँ. यहाँ पर हम लोग जब अलावा होता है, जैसे आई हैव दिस परमानेंट मार्कर. ओके. आई हैव परमानेंट मार्कर बिसाइड्स पेन. तो
नहीं, हाँ ये इसलिए यूज कर रहा हूँ कि इसके अलावा, पेन के अलावा मेरे पास परमानेंट मार्कर भी है, और बिसाइड जैसे कि ही स्टूड बिसाइड हिज ब्रोदर, वो अपने भाई के बगल में खड़ा है, हो गया बिसाइड। सो यू कैन यूज दिस एंड यू कैन गेन द मास्टरी। दिस इज ऑल अबाउट द डे 22।